और ये देखो यहाँ से कुंडा बंद है, मेरे हस्बैंड ने बाहर से कुंडी लगा दी। इसको बोलते हैं खोले साग हमारी लैंग्वेज में। चिकन वर्षा दीदी ने बनाया है, साग रेखा ने बनाया है, हाँ, और रोटी हम दोनों ने बनाया है, मिलके बनाया है, खाने बैठी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के दिन की शुरुआत मेरी हो रही है 12 बजे से। आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल आ गए हैं। तो कल मैं पार्टी में गई थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे दीदी लोग मिले, तो उन्होंने मुझे देखते ही ये बोला, क्या वो आजकल तुम सो नहीं रहे हो क्या ढंग से, मतलब नींद पूरी नहीं कर रहे हो, बोला। मैंने कहा क्यों? कि फेस से पता चल रहा है। उन्होंने बोला पिंपल वगैरह आए हैं ना। मैंने बोला हाँ, मैं सोई तो नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए, क्योंकि हम लोग बहुत देर रात तक बैठ रहे हैं, तो इसीलिए। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, इसी वजह से ना पिंपल, मतलब जब आप नींद भी पूरी नहीं करते हो तब भी पिंपल आते हैं। और मैं आज मैंने ऐसी नींद पूरी की, मैं कल 12 बजे से सोई और आज 11 बजे उठी हूँ। अब बताओ कैसी नींद पूरी की मैंने। तो अभी उस वजह से तो नहीं, नींद मुझे इसलिए भी आई क्योंकि हम मतलब सो ही नहीं रहे, बैठ रहे बहुत देर तक, और बातें करना, पिंपल्स टाइम पे ना सोने ना खाने की वजह से भी होता है। तो मैं सो जाती हूँ यार, काम तो है नहीं कुछ, ऐसे बोर होके फिर मैं सो गई, तो अभी मैं उठी हूँ 11 बजे। तो अभी कुछ नहीं, अभी तो मैं इधर छत में आई हूँ, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी हो रहा है दिन का टाइम और खाना बनाने का टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही थी मैं क्या खाना बनाऊँ दिन में। तो दीदी लोग छुट्टी गए थे, तो वो ये लेके आए हैं, इसको बोलते हैं खोले साग हमारी लैंग्वेज में। कई लोग शायद चिमरायो बोलते हैं, हमारे यहाँ तो खोले साग ही बोलते हैं। खोला मतलब जो नाला होता है उसको हम लोग खोला बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वहाँ पे ही उगता है ये, इसीलिए इसको खोले साग बोलते हैं। तो अब इसको धो लिया है मैंने, काट कर इसको बना लेती हूँ। आप सबको तो पता ही है हरी सब्जी मेरी फेवरेट है, और ये वाली सब्जी कुछ ज्यादा ही फेवरेट है। तो थैंक यू देविका दीदी इतना टेस्टी सब्जी हमें देने के लिए। तो सरसों का तेल मैंने गर्म कर लिया है, और अब इसमें जीरा धनिया डाल देंगे हम, और इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हरी सब्जी में लाल मिर्च नहीं डाला तो क्या डाला। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन, जो मैं हमेशा डालती हूँ। लास्ट में इसमें डाल देंगे हम हरी सब्जी। हम इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा नमक। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि हरी सब्जी बहुत पकने के बाद तो घट जाती है, तो हल्का फ्राई करने के बाद मैंने इसमें नमक डाला है। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ अपना लट्टा पट्टा उठा के और दीदी के रूम में, क्योंकि मैंने आटा गूंद लिया था और सब्जी भी मैंने बना ली थी। फिर दीदी ने कॉल किया, आ जाओ यहीं पे बना के खाते हैं सब लोग साथ में। तो फिर मैं अभी गूंदा हुआ आटा और सब्जी लेके जा रही हूँ दीदी के पास, तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे। अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है, मैं जाती थी दीदी के घर, और ये देखो यहाँ से कुंडा बंद है, मेरे हस्बैंड ने बाहर से कुंडी लगा दिया गलती से, और मैंने बोला है खोल दो, देखती हूँ कौन आके खोलता है। खुली नहीं रहा, तो अब चलते हैं। मैं अभी पहुंच चुकी हूँ वर्षा दी के रूम में, और यहाँ पे हम अभी सिर्फ एक ये है और एक मैं हूँ और एक ये है। किससे बात कर रही? हम सिर्फ तीन ही लोग हैं क्योंकि एलिशा दीदी चले गए। एलिशा या अलीशा? एलिशा, एलिशा ना, हाँ, एलिशा दीदी चले गए हैं, तो हम तीन ही दिखेंगे अब इसके बाद। और ड्यूटी बना रहे हैं खाना, अपनी ड्यूटी में रेडी है। हाँ, सैफ अभी चिकन बना रहा है। हाँ, अभी चिकन बन रहा है, तो बन रहा है हमारा खाना रेडी हो चुका है। तो खाने में बनाया है चिकन, वर्षा दीदी ने बनाया है, साग रेखा ने बनाया है, हाँ, और रोटी हम दोनों ने बनाया है, मिलके बनाया है। खाने बैठी मैं खा रही हूँ, करे खाना खा लेते हैं। तो गाइज, वर्षा दीदी के रूम से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो अभी मैं बैठी थी, मैं क्या करूँ क्या ही वीडियो बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे याद आया, मुझे एक कमेंट आया था परसों के वाले वीडियो में, जो हमने मार्केट से शॉपिंग की थी, उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने बोला था मार्केट से जब मैं रूम आऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है आज। और शाम के टाइम ये हुआ, मैं उधर चली गई थी दीदी औरों के रूम में, और सोनू दाई से मिली मैं उस दिन, और आते आते ना मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैंने जब दूसरे दिन उसमें कमेंट देखा कि आपने क्या खरीदा, वो तो दिखाया नहीं, फिर मुझे लगा ओ भाई मैं भूल गई थी। और फिर मैंने सोचा अभी ये सामान दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लेके आई थी मार्केट से। तो मैं लेके आई थी ये स्वेटर, क्या बोलते हैं इसे,
स्वेटर ही बोलते हैं क्योंकि ये मोटा है ना, तो ये स्वेटर लेके आई थी अपने बूढ़ों के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि इससे पहली बार मार्केट जब हम गए थे तो मैंने सब अपने लिए लिया था क्योंकि मेंस वाला सेक्शन में स्टॉक आया नहीं था, तो इसीलिए ये मैंने बाहर से लिया इस बार मार्केट से। मैं बहुत पसंद आया, फिर मैंने वर्षा दीदी को भी दिखाया कैसा लग रहा है, उनको भी पसंद आया था, फिर एक ही है और एक ये लिया था गाइस। अब क्या हुआ कि पहले मैंने इसे देखा फिर मुझे ये पसंद आया उसके बाद मैंने इसे देखा तो ये भी मुझे पसंद आ गया, फिर मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मैं क्या करूँ, एक लूँ ये लूँ या ये लूँ। तो फिर दीदी ने बोला ये वाला अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा ब्राइट लग रहा है कलर, और तो मैंने इसको भी ले लिया। फिर वही होता है हमारा, जब हम मार्केट जाते हैं तो ये बोलते हैं भैया अगर सस्ता लगाओगे थोड़ा तो मैं दो ले जाऊंगी। मैंने उनको वही बोला कि अगर आप थोड़ा ठीक प्राइस में लगाओगे तो मैं ये दो ले जाऊंगी, इसीलिए मैंने दो लिए थे ये, और 2600 का आया शायद, दो मुझे इतना याद नहीं है, 26 या 25 ऐसे था, तो इतने का मैंने ये लिया था। दोनों मुझे तो बहुत पसंद आया था ये इसीलिए, और एक लिया मैंने ये। अब ये क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा दिखाया था पर पूरा नहीं दिखाया था क्योंकि उसमें सिर्फ उस टाइम पे हम कंफ्यूज थे कौन सा ले, लेने के बाद मैंने वीडियो बनाया नहीं था। और वैसे इस बैग का ना चेन भी निकल गया है, देखो क्या बताऊँ मैं, मुझे 3 दिन पहले की हमारी शॉपिंग अभी दिखा रही। और एक लिया मैंने ये, कितना ज्यादा ही है, मैंने ग्रीन में लिया था, तो ये है इसके पिल्लो कवर, 2 पिल्लो कवर मिले थे। ये बड़ा मस्त लगा मुझे क्योंकि अभी सर्दी बढ़ रही है यहाँ पे, तो उसी को देखकर हम ये लेकर आए थे। ये है इसका बेडशीट, मैं आपको इसको दिखाती हूँ खोल के, इसका बेडशीट है, जब मैं इसको लगाऊंगी बेड पे तब मैं आपको एक बार दिखाऊंगी फिर से कैसा लग रहा है ये। क्यों कहाँ ये पागल हो रहा है, तो डरा दिया मुझे, मैंने इतना देख के लिया था गाइस, इन्होंने बोला देख के लिया था तुमने, ये फटा हैगी। ओह भाई, ये लिए हुए भी बहुत दिन हो गए, वापस भी नहीं करेगी, वो फटा हुआ नहीं है बट जब इसको यूँ खींचते हैं तो इसका जो अंदर का होता है ये सफ़ेद दिखता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे फटा है, लेकिन ये फटा हुआ नहीं है, कटा हुआ भी नहीं है। ये है ब्लैंकेट कवर, ये एक साथ ही लिया था हमने। ये चेन है, इसको हम ब्लैंकेट में, गाइस लाइट चले गई, वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई है और हमारे पास इन्वर्टर नहीं है, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि लाइट भी चले गई, दिखेगा भी नहीं, इसलिए लिया था क्योंकि अच्छा लगेगा, ब्लैंकेट भी सेम और बेडशीट भी सेम सेट में, मस्त लगता है मस्त, तो इसीलिए मैंने लिया। और इसका प्राइस 200 पड़े थे लेकिन हम लोगों ने दिया था ओनली 2000, वो मान नहीं रहे थे वो लोग, तो अब इसको रख देते हैं क्योंकि ये भी ख़त्म हो चुका है गाइस इसका रिव्यू। बस मैं इतना ही लेके आई थी, कुछ और तो मैं कुछ भी नहीं लाई क्योंकि उस दिन हमें लेट हो गया था और कुछ और काम भी था हमें, तो हम जल्दी जल्दी आ गए थे वापस, तो यही है। और अभी के लिए इतना ही, अभी लाइट आ जाएगी तो देखते हैं आगे क्या होता है, खाना हमारा बनाना ही है, अभी खाना क्या बनता है वो भी पता नहीं है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं। हमारा खाना रेडी हो चुका है और खाने में हमने बनाया है सब्जी, हरी सब्जी और आलू को मिक्स करके, और इसमें बनाई है रोटी। तो क्योंकि बहुत दिनों से इतना हैवी खाना खा रहे, हम लोग पार्टी कर रहे हैं रोज़ इतना मसाले वाला खाना खा रहे, तो आज हमने सोचा सिंपल सा खा लेते हैं रोटी सब्जी, तो अभी वही खाते हैं और इसके बाद मिलते हैं। तो खाना पीना हो चुका है और अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बट इतना स्पेशल तो आजकल कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं बोलते बोलते मुझे क्या हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।